आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये शो को जज कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्वालिटीज देख रहे हैं लोगों में, मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर जज कर रहे हैं, और कैसे अलग होने वाला है ये रियलिटी शो? एक्चुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो मैं बच्चे देख रहा हूँ बहुत अलग सिटी से आ रहे हैं, जो हम लोग रेगुलर देखते हैं जैसे गुजरात से और दिल्ली से, मोस्टली दिल्ली से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कोने कोने से बच्चे ढूंढ के निकाले हम लोगों ने यहाँ पे, और बहुत हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगह पे भी ऐसे बच्चे डांसर्स है, जो टैलेंट है वो निकल के बाहर आ गए, और बस यहाँ पे और बहुत धमाल होने वाला है, आप देखेंगे जैसे शो स्टार्ट होगा। आप हमने देखा कि आप काफ़ी बारीकी से जज कर रहे थे, तो क्या क्वालिटीज़ देख रहे थे आप बच्चों में? आजकल के बच्चों में जितना क्वालिटी देखो उतना कम ही लगता है, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे मैंने देखे, फ्लिप्स बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है जो डांस में मैं देखता हूँ। फ्लिप्स, ये जो फ्लिप्स कर रहे हैं ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे फ्लिप्स कर रहे हैं लोग, जो एक्रोबैटिक्स कहते हैं हम लोग, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे बच्चे भी देखने मिलेंगे, तो ये क्वालिटीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, और जो बीट सेंस है उन लोग का, रिदम सेंस है, वो ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस कास्ट एंड क्रू को, क्योंकि काफ़ी अलग बच्चों के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और काफ़ी शहर से लोग यहाँ पर आए, तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़? देखिए, हर जगह पर कोई ना कोई बच्चा छुपा हुआ है जिसे हमें ढूंढ कर निकालना है, ठीक है, और उसके लिए कोई गॉड फादर चाहिए जैसे ये शो है, ठीक है। अगर ये शो हर जगह अगर पॉसिबल होता तो हर जगह के बच्चे कुछ ना कुछ अपने को परफॉर्म करके दिखाते। ये ऐसा एक्ट है कि कला का प्रदर्शन करके, लोगों का मनोरंजन करके, अपना नाम ऊंचा करने जैसा एक सही सा माहौल है, ठीक है। अगर इस चीज़ को कोई बढ़ा के देख रहे, या फिर आज ये टीम देखिए, कम से कम 50 से 60 लोगों की टीम कुछ बच्चों को आगे करने के लिए निकल पड़ी है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को सपोर्ट करना हम जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये शो तो बच्चे लोग का है, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे ही है, तो आप कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अगर उस बारे में? देखिए, अगर किसी ना किसी को तो हाथ रखना ही है किसी के ऊपर, अगर हम नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई और रखेगा ही, लेकिन वक्त निकल जाएगा, तो उस वक्त को भी अपने हाथ में रखना है और लोगों को सपोर्ट करते चलना है, इसलिए ये टीम को हम मेरी तरफ से पूरी तरह से ब्लेसिंग है। सर, आप कुछ बताइए कैसे जुड़े हैं आप रियलिटी शो से और क्या क्वालिटीज़ देख रहे हैं, जैसे मैंने रोहन जी से भी पूछा। बस ऐसे एक रैंडमली कॉल आ गया जजिंग के लिए, हम बस हर शहर टू शहर घूमते रहे, बच्चों को सिलेक्ट करते गए, कुछ क्वालिटी अच्छी अच्छी जैसे रोहन सर ने बताया वैसे हम लोग ने बच्चों को सिलेक्ट किया है, उनकी क्वालिटी, उनके डांस, उनके स्टेप्स, कुछ अलग मूव्स देख के हमने यहाँ से वहाँ पर लाया है। अभी एक ही कहूँगा इन बच्चों के लिए, अगर देखना है इनके उड़ने की ताकत तो आसमान को कहना है कि और ऊंचा हो जाए। क्या बात है, राहुल से जानना चाहूँगा, राहुल आपने कैसे सोचा और कैसे मतलब ये सब साथ में आए, अगर उस बारे में क्या कुछ बताया, कैसे आइडिया आया कि इस तरह का कोई रियलिटी शो होना चाहिए? एक्चुअली ये हम रियलिटी शो स्पेशली स्किड्स के लिए हम लोग स्पेशली बनाया है ये रियलिटी शो, तो हमारा ये मौका है कि हम उनको चांस दें आगे लेवल के लिए, कि वो अगले नेक्स्ट स्टेप पे वो उनका कुछ अलग करियर बना सके आगे फ्यूचर के लिए, तो हमारा यही सपोर्ट है कि हमारी तरफ से एक बच्चा आगे जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा आगे जा रहा है, तो हम उसे अलग सपोर्ट करेंगे। हम ये ऑडिशन गुजरात में, वडोदरा, सूरत, दिल्ली एंड मुंबई। और ये कहाँ पे मतलब शो दिखाई देने वाला है? ये शो साधना एंड गुजरात का एक फेमस रियलिटी एक शो है, चैनल GTPL, वो गुजरात में। एक्चुअली हम लोग टारगेट गुजरात को ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट गुजरात से आए हैं, और हम लोग साधना चैनल को इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल वाइज चैनल है जो हर टेलीकास्ट उसमें आ सकता है।